नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हमें किस टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, चाहे हम इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने फील की, बहुत सारे यहाँ पे लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, जहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज तो बताई जाती हैं, टेक्निक्स बताई जाती हैं, चार्ट्स बताए जाते हैं, पैटर्न्स बताए जाते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है ना, हर एक चीज़ बताई जाती है। मैं भी ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी टाइम से गाइड कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी जो मैं भी मतलब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को उससे बेनिफिट भी मिल रहा है। बट यहाँ पे कहीं पे एक चीज़ अभी मेरे माइंड में स्टक हो रही थी, जो मैं देख रहा था लोगों की जो प्रॉब्लम थी कि जैसे कि मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें कि लाइक हम किसी चार्ट में 5 मिनट का मतलब चार्ट दिखा देते हैं ऑडियंस को, किसी टाइम 10 मिनट का चार्ट शो रहा होता है, किसी टाइम 15 मिनट का शो हो रहा होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ऑडियंस है या फिर जो भी एज अ बैकग्राउंड, उनको ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये सामने वाला बंदा ऐसा क्यों कर रहा है ना, इसका पीछे रीज़न क्या है। तो हम आज उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि ये जो टाइम फ्रेम है इनका कितना ये मैटर करते हैं, और क्या इसका बेनिफिट है, और आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कोई सीक्वेंस है तो वो क्या है। तो आज बेसिकली यह इस वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे, जो कि शायद मुझे नहीं लगता है किसी ने इस चीज़ के ऊपर कोई डिटेल वीडियो वगैरह बनाई है। तो बनाई भी होगी तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे को अभी ऐसा कुछ मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को पहले लोगों को क्लियर करें, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक्स नहीं क्लियर हो रहे तब तक हम अच्छा एक ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आगे यहाँ पे छोटा सा जो डिस्क्लेमर है, ये जो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इस वीडियो करके देख करके होने वाला प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार खुद हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंट्राडे से, फिर शॉर्ट टर्म पे, फिर मिड एंड देन लॉन्ग टर्म। तो हमको क्या ट्रेड्स यहाँ पे देखने चाहिए, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट एंड 15 मिनट्स। ये जो आप यहाँ पे 5 टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये जो पांचों के पांच इंट्राडे के लिए बहुत यूज़ किए जाते हैं, इन पांचों में से जो काफ़ी जो पॉपुलर है वो रह जाते हैं यहाँ पे पीछे वाले तीन, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। और जो बहुत ज़्यादा मतलब लोग यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करता है इंट्राडे के लिए, वो रहता है 5 मिनट का। यहाँ पे जो कैंडल है बहुत अच्छा, इसमें रिस्पॉन्स मिलता है, मार्केट को समझने का टाइम मिलता है 5 मिनट में, क्योंकि इंट्राडे में आप 15 मिनट का भी देख सकते हो, 30 मिनट का भी देख सकते हो, काफ़ी सारे लोग आपको 15 मिनट का भी रेकमेंड करते हैं। उसका ये रहता है कि हमको एक टाइम मिल जाता है कि 15 मिनट के टाइम के अंदर, 15 मिनट का चार्ट का मतलब कि जो 15 मिनट में मार्केट ने जो भी अपना हाई बनाया है, लो बनाया है, ओपनिंग क्लोजिंग, उसकी पूरी पूरी डिटेल एक कैंडल 15 मिनट में जो चीज़ हुई वो चीज़ आपको बता देता है। बट 15 मिनट में अगर आप देखे होगे तो पूरे दिन में हमारे पास 9:30 से जो 3:30 का टाइम, उसमें कैंडल्स बहुत कम बनेंगी, 10 मिनट में कैंडल थोड़ी ज़्यादा बनती है, 5 मिनट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केट्स मिल जाता है। तो मतलब 5 मिनट में क्या रीज़न ये है कि उसमें हमें स्ट्रेटजीज, उसमें हमको अलग अलग पैटर्न्स मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें 1 मिनट और 3 मिनट, तो यहाँ पे जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग मीन्स स्कैल्पिंग सबसे पहली वो चीज़ होती है कि जहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए हम ट्रेड्स को बाय करते हैं, शॉर्ट करते हैं। सपोज अभी इस मिनट में मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और अगले मिनट में मैंने अपने ट्रेड को स्केयर ऑफ कर लिया। इस मिनट में मुझे लगा कि अभी नेक्स्ट कैंडल, सिर्फ एक कैंडल में देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बाय किया और मुझे पता है अगले 1 मिनट के कैंडल में मैं एग्जिट कर जाऊंगा जब भी मेरे को प्रॉफिट लग रहा है। तो वो काइंड ऑफ स्कैल्पिंग हो जाती है। वहाँ पे 1 मिनट और 3 मिनट की कैंडल्स यूज होती हैं, जो कि एज अ बिगिनर बहुत रिस्की है, उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फास्ट आपका मतलब होता है कि यू नो कि आप इस चीज में बहुत फास्ट होना चाहिए। तो एज अ बिगिनर 5 मिनट का यहाँ पे रेकमेंडेड रहता है। बट अब ये चीज है कि जो कभी 5 मिनट का दिखा दिया जाता है, कभी 1 मिनट का, तो कभी 10 मिनट का, उसके पीछे का रीजन क्या है, जो लोग ट्रेडर हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो इसका देखिए बेसिक सा सिंपल सा इस चीज़ को अभी आप कॉपी पेन है अगर पास नोट कर लें, यहाँ पे जब भी कैंडल्स का यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज किया जाता है, उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि हमको क्या चाहिए होते हैं
क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में हमको एक्शंस के लिए क्या एक्शन लेने के लिए हमको क्या, या तो हमें कोई ना कोई पैटर्न मिलना चाहिए, हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलना चाहिए ना, तो वो चीज़ हमने फाइंड करना है। अब मान के चलो मैंने 5 मिनट लगा लिया, 5 मिनट में मेरे को कोई भी अच्छा मतलब पैटर्न अच्छा नहीं मिल रहा जिसका मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेम चार्ट को 10 मिनट में उसको एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे को 10 मिनट में कोई फॉर्मेशन, कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो मैं 10 मिनट को वॉच करूँगा, सिंपल इज दैट। ओके, अब उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझ लो कि अगर आप 5 मिनट की कैंडल को यहाँ पे वॉच कर रहे हो, इसके मतलब ये है कि आपके यहाँ पे 5 मिनट के लिए आपकी स्ट्रेटजी काम करने वाली है। मीन्स 5 5 मिनट पे आपको एक नई कैंडल मिलेगी, और वो जो 5 मिनट की कैंडल है, सपोज आपने अभी जो कैंडल चल रही है 5 मिनट की, उसमें आपने कुछ भी ट्रेड लिया, तो जो अगला 5 मिनट है, क्योंकि अगले 5 मिनट में आपको पता चलेगा कि कैंडल की क्लोजिंग क्या है। मान करके चलो, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, मान के चलो ये यहाँ पे आपका लाइन है कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपने ट्रेड करना है। ओके, फाइन। तो अभी क्या है कि मार्केट यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बना लिया, और अभी ये बन चुका है, ये कैंडल बन चुका है, और एक नया कैंडल है जो कि नो डाउट ग्रीन ही है, ब्रेकआउट है, और ये इसके ऊपर की तरफ विक है, ये नीचे की तरफ विक है। बट अभी क्या है कि अभी ये कैंडल बंद नहीं हुई है, क्योंकि हमें तो कंफर्मेशन चाहिए कि जो जब हमारी जो कैंडल है इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब हम एंट्री लेंगे, है ना। बट अभी 5 मिनट की कैंडल है, अभी पहले दो दूसरा मिनट चल रहा है, दूसरे मिनट में इसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन हमको तो पता नहीं कि क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हमको कब पता चलेगा। उसके लिए हमें 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, जब इसके 5 मिनट कंप्लीट होंगे तभी तो ये कैंडल कंप्लीट होगा, और हमको फाइनली पता चलेगा कि कैंडल रेड बनती है, ग्रीन बनती है, क्या होता है, कहाँ पे क्लोजिंग है। अगर 5 मिनट की जो क्लोजिंग होगी इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हम अगली कैंडल पे धड़ाक से क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। बट यहाँ पे अगर 5 मिनट की कैंडल, तो हमारे पास 5 मिनट का समय है कैंडल को देखने लिए, कहाँ ऊपर कहाँ कैसे जा रहा है। अगर सेम टाइम अगर 10 मिनट का है, तो इस कैंडल को बनने में कितना 10 मिनट का टाइम लगेगा ना, मतलब 10 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा क्या है कैसे है। तब जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट वाले, मतलब कि बस ये तो देखते देखते यहाँ पे बना, यहाँ भड़क से गए, यहाँ तो धड़क से खरीदा, यहाँ से बेच दिया, यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दिया, मतलब उनके पास उतना ही कम टाइम होता है। तो एक जो बैगिनर है, आपको लगता है क्या वो 1 या 3 मिनट में ट्रेड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसको लॉस होएगा, वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए 5 मिनट 10 मिनट रेकमेंडेड है, स्टार्टिंग के लिए 15 मिनट का चार्ट भी ले सकते हैं, बट 5 मिनट जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन रहेगा इंट्राडे के लिए। यहाँ पे अभी आप देखोगे ये एक मैंने HDFC का चार्ट लिया हुआ, 1 मिनट का है ये आपका 5 मिनट का है, ये आपका 10 मिनट का है, ये आपका 15 मिनट का है, ये आपका 30 मिनट्स का है, और ये आपका डेली का चार्ट है ना। इसको भी थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, किस पे कहाँ पे क्या हो सकता था ना। उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा भी जो हमारे ये रह गए यहाँ पे चार पीछे वाले, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो 30 मिनट्स एंड आवरली है, इनको हम शॉर्ट टर्म के लिए एनालाइज करते हैं। सपोज लाइक मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आज मैं यहाँ पे मानकर चलो आवरली चार्ट देख रहा हूँ, आवरली चार्ट मेरे को कोई यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने वाला है, तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ, तो यू नोट कि अगले मतलब सिर्फ तकरीबन तकरीबन मतलब कि अगर जितना भी टाइम हमारे पास मार्केट का है ना, उस टाइम के अंदर यहाँ पर कुछ बहुत ही छोटी कम कैंडल्स बनेंगी, और उन कैंडल्स के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, और आने वाले अगले 1 2 3 4 दिन में हम अपना टारगेट रखते हैं कि आने वाले बहुत कम समय के लिए, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमको एग्जिट करना है, तो वहाँ पे आवरली चार्ट हमें बहुत हेल्प कर देता है। आवरली चार्ट की यहाँ पर बात करूँ, तो इस पर एक बार इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आवरली करके आपको दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि ये एक स्ट्रेटेज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल्स यहाँ पे बनी आपकी आवरली, यानी कि 7 कैंडल्स में हमको ये पता चल गया कि आज का दिन कैसा रहा। इसमें कुछ भी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं मिली, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट क्योंकि हमको पीछे का डाटा हम देखेंगे, और पीछे का डाटा यहाँ पे देखो कि क्या बता रहा है आवरली चार्ट। यहाँ से क्लियर कट यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, और इतनी ही कैंडल कितने दिन कैप्चर कर ली, 1 2 3, ये 3 दिन का डाटा हो गया सारा। बट इसको अगर मैं 5 मिनट में कर दूँ, 10 मिनट होती, तो कहानी उल्टी हो जाएगी ना, कहानी कुछ अलग हो जाएगी। उस कहानी को भी इस वीडियो में समझने वाले हैं, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बस थोड़ा वीडियो को स्किप करना मत। तो 30 मिनट और आवरली, आवरली मीन्स 1 आवर,
ये जो चार्ट है इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए, एक हफ्ते से अंदर अंदर के लिए जो हम ट्रेड लेंगे वहाँ पे इसको देखा जाता है। और हाँ, जो शॉर्ट टर्म के लिए है, हालांकि वहाँ पे डेली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर डेली की बात करें ना, सब में से जो मोस्ट पॉपुलर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेली का चार्ट, वो तो आपको देखना ही देखना है। इंट्राडे ट्रेड्स अगर आप कर रहे हो तो मार्केट स्टार्ट होने से पहले आप डेली का चार्ट देखोगे। क्यों भाई? क्योंकि डेली का चार्ट आपको ट्रेंड बता देगा कि आज का पूरा दिन क्या हो सकता है, बुलिश हो गया बेयरिश होगा, वो बताएगा आपको डेली। उसके बाद में डेली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे इंट्राडे के लिए आपने ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले देखना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप डेली का चार्ट देखो कि अभी का जो मार्केट डेली का चार्ट है वो कैसे चल रहा है। उसके बाद में मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप डेली भी देखोगे, वीकली भी देखोगे और मंथली भी देखोगे आप। तो यहाँ पे ये जो पीछे वाले वीकली और मंथली, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म, जो सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाले उनके लिए है। डेली स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। डेली तो देखना ही देखना है। डेली का चार्ट क्या होता है कि एक जो कैंडल होगी ना, वो आपको पूरे दिन का हाल बताएगी कि आज के पूरे दिन में मार्केट कितना ऊपर गया कितना नीचे आया। थोड़ा सा फटक से इसको आप समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 मिनट का अगर आप चार्ट देख रहे हो ना, तो सपोज यहाँ पे मार्केट देख लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे मान लो ये कि सपोर्ट है, थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे 1 मिनट में देखो कि ये जो यहाँ पे जो कैंडल्स यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक एक मिनट की कैंडल है, और इस 1 मिनट में यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिला और यहाँ पे एंट्री बनती है। तो 1 मिनट ही हमारे पास टाइम था ये डिसीजन लेने के लिए। अगर सेम चार्ट को मैं टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा, मेरे पास जो पैटर्न मिलेगा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो इस पैटर्न में क्या करूँगा, इसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो कुछ अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ट का पैटर्न्स काम बिल्कुल सेम करेंगे, सेम पैटर्न्स, चाहे वो 1 मिनट में बन रहा, 5 मिनट में बन रहा, बस जो भी आपकी स्ट्रेटजी, जो भी पैटर्न्स है उसको यहाँ पे आपने सीखना है। बस ये जो गेम है बस ये है, 1 मिनट की कैंडल में आपके पास 1 मिनट का टाइम है सोचने के लिए, 5 मिनट में आपके पास 5 मिनट का टाइम है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आप डेली बेसिस पे वेट करते हो ना कि आज का दिन कैसा है, कल का दिन कैसा गया। अगर आप 10 मिनट में, आप 10-10 मिनट में देखते हो कि मार्केट क्या है, कैसे इस तरह से डिसीजन लिया जाता है। तो बस ये सिंपल सा है कि, और जो डेली का चार्ट है, डेली यहाँ पे आपको मार्केट का रुझान बताता है कि कैसा है। अगर बिल्कुल नीचे की तरफ मार्केट एक बेरिश कैंडल बने तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा जो कल की मार्केट है वो क्या होगी, कि कल की मार्केट भी बेरिश हो सकती है। और यहाँ से ये देखिए HDFC का अपना करेक्ट करने की कोशिश कर, आज की कैंडल भी यहाँ पे देखोगे तो बुलिश कैंडल बनी है, तो कल आप यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हो कि यहाँ से इसने मतलब एक अपना ऊपर की तरफ मूव दिखाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब जो कल का मार्केट होगा वो भी क्या हो सकता है, वो भी तो बुलिश मार्केट हो सकती है ना यहाँ पे। इसका मतलब जो कल की आपकी ट्रेड का सेटअप होगा उसी हिसाब से अपने लोगों को। तो ये वन डे का चार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में आ जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हो, तो बस लास्ट में यही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।